हमने आसपास के स्कूलों को भी नाइट शेल्टर में बदलना शुरू कर दिया है, क्योंकि जो लोग यहाँ आ गए हैं हम नहीं चाहते कि वो इधर उधर भटकें। तो अगर ये नाइट शेल्टर में भी रुकना चाहते हैं तो हम नाइट शेल्टर में भी रुकाएंगे, लेकिन फिर भी आई एम ग्रेटफुल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट एंड आर ऑफिसर्स। दिल्ली सरकार तो अभी बसों का प्रबंध कर रही है, अगर दिल्ली सरकार को जरूरत पड़ेगी दिल्ली सरकार भी बसें दे रही है, डीटीसी की बसें भी लगी हैं, क्योंकि इन लोगों से बात हुई थी, इमोशनली ये लोग चाहते हैं कि हम अपने घर चले जाएं। वैसे में इस समय फोर्स करके किसी को रोकना ठीक नहीं रहेगा, पर फिर भी हमारा सबको रिक्वेस्ट यही है कि आप घरों पे रुकिए। दिल्ली के लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ इसके बाद बिल्कुल घर से ना निकलें। घर से निकलने का मतलब है आपको रास्ते में कहीं रहना पड़ेगा, रास्ते में अपना घर छोड़ के ना निकलें। जहाँ हैं अगर आपके पास घर है घर में रहें, झुग्गी है झुग्गी में रहें, नहीं तो नाइट शेल्टर में रहें। सरकार खाने की पूरी व्यवस्था कर रही है, दिल्ली सरकार पूरी दिल्ली को खाना खिलाने की स्थिति में है, कोई दिक्कत की बात नहीं।